उत्तर प्रदेश सहित देशभर में शुरू हो चुके बुलडोजर राज संस्कृति के खिलाफ मजदूरों का जंग जारी रहने के आह्वान के साथ अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन ने खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के संयुक्त राष्ट्रीय मंच की ओर से आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस पर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष रामविलास सिंह और खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इसराफील ने की। धरना को पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले जिला सचिव दिवाकर प्रसाद, खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य उपाध्यक्ष चंद्रदेव वर्मा, नवल किशोर, राजेश श्रीवास्तव, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला सचिव रामभजन सिंह, सूरज रजक, जयप्रकाश यादव, राम बहादुर सिंह, सुरेश पासवान, प्रेमा देवी, रमेश सिंह, रामचंद्र गुप्ता आदि ने संबोधित किया। धरना को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि नीतीश मोदी सरकार ने खेत मजदूरों, ग्रामीण गरीबों पर हमला बोल दिया है, भोजन, आवास और रोजगार के अधिकार छीने जा रहे हैं। एक ओर महंगाई की मार से गरीब त्रस्त है तो दूसरी ओर सरकारी संसाधनों को बेचकर देश को श्रीलंका के रास्ते पर ला दिया गया है। वक्ताओं ने ई रिक्शा चालक हत्या की निंदा करते हुए हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार और प्रशासन से की। साथ ही कटाव पीड़ित विस्थापितों को पुनर्वासित करने और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी मांग की। धरना के अंत में 15 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। खेत मजदूर संगठनों के द्वारा ऑल इंडिया पैमाने पर आज हमारा विरोध दिवस है। खास करके केंद्र सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी नीतियां बनाई गई है उसके विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित है और बिहार सरकार के जरिए जो मजदूर विरोधी कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ में हमारा यह कार्यक्रम है। हमने आज मांग किया है जो केंद्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बने, मजदूरों पर जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई बंद हो, जहां पर जो सरकारी जमीन पर बसे हुए लोग हैं उनको बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उसको उजारने की कार्रवाई पर रोक लगे, ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। और खास करके हमारे साथी ने जो कहा, जो आज यह सरकार इतना जन विरोधी हो गई है, इतना गरीब विरोधी हो गई है, जो देख रहे हैं जो भोजन की सामग्री से लेकर के हमारे बाल बच्चे जो पढ़ते हैं उन पढ़ने वाले सामग्रियों पर GST लगाने का काम करती है, यानी पेट पर GST और जो दिमाग है वो जो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा पेट और दिमाग को ये सरकार GST लगा करके बांध देना चाहती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं जो आज जो ये भूख है, गरीबों की जो भूख है, इस भूख को हम दिमाग की ज्वाला बनाएंगे और दिमाग की ज्वाला के जब यह दिमाग की ज्वाला बनेगी तो ऐसे तानाशाह सरकार को मजदूरों के संघर्षों के जरिए जला करके खाक कर दिया जाएगा और इसकी जो तानाशाही है हमेशा हमेशा के लिए इसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्या नाम है? खेत चंद्रदेव वर्मा, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा, बेगूसराय जिला सचिव। ये धरना अखिल भारतीय स्तर पर 5 वामपंथी खेत मजदूर संगठनों के कन्वेंशन में जो एजेंडा तैयार किया गया है उसी एजेंडा पर पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर 1 तारीख को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस है। विरोध का कारण है कि आज जो कुछ भी मोदी सरकार के द्वारा खेत मजदूरों पर, ग्रामीण गरीबों पर जो हमले हो रहे हैं, हमले का मतलब ये कि आप अंतिम बात से ही उठाइए कि खाद्य पदार्थ पर 5% से अधिक GST लगाने की का ऐलान उन्होंने किया है, जबकि सोना पर 2%, हीरा पर 1.5% वो सब्सिडी करते हैं, GST लगाने की बात किया है, GST लगा रहा है। उसी ढंग से शिक्षा में जो कहानी है कि तमाम जगह ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डेवलप की जा रही है, जिसमें लाखों स्कूल कॉलेज पूरे देश में बंद किए जा रहे हैं और इस शिक्षा के कारण स्वास्थ्य की व्यवस्था भी इतने महंगे हो गए हैं और डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ने के बाद इतनी महंगाई हो गई है कि आज गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। पूरे देश में
खास करके बिहार में जो बंदोपाध्याय रिपोर्ट दिया कि 22 लाख एकड़ जमीन सरकारी प्रति है अवशेष अधिशेष है, जिस पर गरीबों को 22 लाख गरीबों को एक एक एकड़ दिया जा सकता है, मगर इस राज्य के सामंतों के दबाव में ये नीतीश कुमार अपनी ही बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया और आज ग्रामीण गरीबों को जो पहले से सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उन्हें बुलडोजर से जो जमीन मालिक की जमीन पर बसे हुए हैं उन्हें बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए इसको नहीं उजाड़ा जाए। दूसरी बात कि आज जो ग्रामीण गरीब जो गंगा कटाव में चमथा से लेके समस्तीपुर साहेबपुर कमाल तक, जिसमें तेघड़ा बरौनी दू के लोग भी हैं, ये बलहपुर के लोग भी हैं और अनेक जगहों के लोग हैं, जो बिल्कुल सड़कों पर झोपड़ी बनाए हुए हैं, उन्हें बार बार उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। हम उन कटाव पीड़ित विस्थापितों के लिए हमारी ये लड़ाई है कि जमीन अर्जित करके और उन्हें बसाया जाए। इसी ढंग से जो ग्रामीण मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हमारे हैं, उनका जो गांव के अंदर जो सामंती दामन क्या कहते हैं दमन है, जो उनका घर उजाड़ा जा रहा है, हरिजनों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इन सारे सवाल पर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सवाल का एक मुख्य मुद्दा बेरोजगारी भी है। आज आप जानिए कि 20 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के 3 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं, उन्हें कोई काम नहीं है और आज उनकी स्थिति ये है कि वो अपराध के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो चोरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों की अवस्था इतनी बदतर है कि जब अखिल भारतीय पैमाने पर 13 महीने जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उन आंदोलनों में किसानों ने 900 से ज़्यादा अपनी शहादत दे के उस तीनों कृषि कानून को वापस करवाया, मगर स्थिति ये है कि बिजली का टैक्स जो उनका डिमांड है वो भी आज बिजली का टैक्स लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। आज वो हाल है कि आज भी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है, आज भी कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। स्थिति इतनी भयावह किसानों की है कि आप जानिए कि 4 लाख से ज्यादा इस देश के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं उन पर भी दमनात्मक कार्रवाइयां होती है, महाराष्ट्र में होती है, असम में होती है, तमिलनाडु में होती है, दिल्ली में होती है, पंजाब में होती है, उनकी स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। वो कोरोना के समय में जबकि उनकी पैदल वहाँ दिल्ली से यहाँ तक आना पड़ा है उन मजदूरों को, रास्ते में भी कितने लोगों की का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। स्थिति इतनी भयावह है और स्थिति तो इतनी भयावह है इस देश की कि आज हमारे नौजवान जो सड़कों पर नारा लगाते हैं उन्हें दमन किया जाता है, संसद में जो बोलते हैं उनके पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, उन्हें कहता है कि आवाज आपकी बंद रहेगी, आप बोल नहीं सकते हैं, ये तानाशाही सरकार है। और इसीलिए जी राम भजन सिंह, जिला सचिव, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन।